अगली खबर भी मुंबई से ही है। यहां बच्चों को बेहतरीन सुविधा देने वाले वाडिया अस्पताल पर फंड की कमी से बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में वाडिया अस्पताल के कर्मचारी महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को जिंदगी देने वाला अस्पताल अब खुद जिंदगी की जंग लड़ रहा है। गवर्नमेंट और बीएमसी का जो 50% ग्रांट मिलता है वो हॉस्पिटल को मिला जाए, मिलना चाहिए, क्योंकि उसी से हॉस्पिटल चलता है। क्योंकि ये हॉस्पिटल है दो 1926 में बांधा हुआ है, तभी से हमको ग्रांट मिल रही है और तभी से ग्रांट पे हॉस्पिटल चल रहा है। मुंबई के वाडिया अस्पताल के बंद होने पर बात आई तो इसे लेकर मुंबई में सियासत भी शुरू हो गई। महानगर पालिका का जो विषय है, महानगर पालिका के लिए मैंने आदरणीय महापौर जी, महा मुंबई के और कमिश्नर जी के यहाँ हमारी एक मीटिंग हुई और मैंने कितनी जरूरत है अनुदान की इस बारे में उनको बताया। उसी वक्त उन्होंने लगभग 14 करोड़ रुपया उसी मीटिंग में सैंक्शन किया और मुझे लगता है 3 दिन के अंदर वो अनुदान वाडिया रुग्णालय को मिल चुका है। तो मुंबई महानगर पालिका ने निधि नहीं दिया, अनुदान नहीं दिया, ये बात सरासर झूठ है। 90 साल का इतिहास है जनसेवा का, वो हॉस्पिटल बंद होने के कगार पर आया है और इसका पूरी तरह से उत्तरदायित्व ये पहली जो 5 साल जो सरकार रही है, जो असंवेदनशील सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके ऊपर जाता है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये मुंबई के जो लोग हैं जिनको ये ट्रीटमेंट की आवश्यकता है उनके लिए है और इधर के स्टाफ के लिए है। इसके लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और हम सब इकट्ठा कोशिश करेंगे कि यहाँ ग्रांट कैसे मिलेगी। दरअसल बीएमसी और राज्य सरकार से वाडिया के दो अस्पताल डेराबाई और नौरोजी वाडिया अस्पताल को 229 करोड़ रुपए का फंड मिलना था जिसे अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी सरकार और बीएमसी से 110 करोड़ रुपए की राशि अस्पताल को देने की मांग कर रहे हैं ताकि फौरी तौर पर लोगों का इलाज शुरू किया जा सके। वाडिया अस्पताल कभी बंद ना हो सकता ना होगा, क्योंकि वाडिया अस्पताल एक अनोखा अस्पताल है जहां पेशेंट्स को अपने डॉक्टर्स पे और अस्पताल पे भरोसा है। सिर्फ के हमारे पास अभी एक क्राइसिस हो चुका है इमरजेंसी मेडिकेशंस और मेडिकल गैसेस का, सो जो पेशेंट्स को हम वो ट्रीटमेंट जहां पे दे नहीं सकते उन लोग को का तो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं या तो वो टाइप के पेशेंट्स को हम लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं। उधर बीएमसी ने अस्पताल पर बिना इजाजत स्टाफ की नियुक्ति का आरोप लगाया है।